तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम हेलो दोस्तों, कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। एक नए ब्लॉग के संग में फिर आ गया हूँ आपका अपना भाई जिसन अली। और जो आज का ब्लॉग है ये है, आपको पता ही है कि मैं वेडिंग का ब्लॉग दे रहा हूँ। तो आज ये जो है दूसरा दिन है जो मैंने वेडिंग का ब्लॉग बनाया था। वो दरअसल रात को बारात गई थी तो रात को ही मैंने ब्लॉग शूट करा, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं करा। ये वेडिंग के दूसरे दिन का ये अब जो है इंट्रो दे रहा हूँ मैं, तो मेरे ब्लॉग में बने रहेगा, स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ मज़ेदार पल आप छोड़ देंगे। तो अभी हम चलते हैं वेडिंग की तरफ, फिर वो होगा हमारा जो बीत गया है कल वो होगा, फिर आज जो है जो मैंने पार्क का ब्लॉग शूट करा वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं वेडिंग की तरफ, फिर चलेंगे हम पार्क की तरफ। तो चलिए ब्लॉग में बने रहेगा। भैया ये गलत बात है बिल्कुल। ये
आपने अपने कानों से सुना गवाही पर कितनी मरतबा सुना तीन बार आपकी कोई गवाह आपने अपने कान से लड़के ने खुशी के साथ इजाजत कोई किसी की जबरदस्ती नगमा परवीनम का नाम है। एक वकील दादा की मौजूदगी में अपने निकाह को उन्हें इख्तियार दिया। मैं वकील रकासिक कादी अलग और गवाही बंद मंत्री और गवाही मुकम्मल यासिन साहब की मौजूदगी में 10,000 रुपये महर मुआवजे के साथ नगमा परवीन ने अपने निकाह का इन्हें इख्तियार दिया। 10,000 रुपये महर मुआवजे के साथ इम्तियाज़ हुसैन साहब की साहबजादी नगमा परवीन को आम मजमे की मौजूदगी में शरीयत के मुताबिक आपके निकाह में दिया जाता है। क्या आपने कबूल किया? मैंने उनको अपने निकाह में वकील गवाह की मौजूदगी में अपने निकाह के लिए इख्तियार दिया। मैं वकील बहसी के खिलाफ और गवाहियों पर निजाम की गवाही तो मोहम्मद यासिन साहब की मौजूदगी में 10,000 की महर मुआवजे के साथ इम्तियाज़ हुसैन साहब के साथ तो जैसा आप लोग देख रहे हैं इस टाइम मैं हूँ कुछ यूनिक जगह और यह है पार्क और सामने ही सनसेट होते हुए ये देख रहे हैं आप लोग। और यह है पार्क हर्बल पार्क जो पार्क बड़े में स्थित है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर झूले भी लगे हैं और ये जो झूले देख रहे हैं आप ये कोलंबस ये तो हमें नैनीताल में 2 बार देखने को मिलती है लेकिन यहाँ परमानेंट ये लगे हुए हैं लेकिन अभी चल नहीं रहे क्योंकि यहाँ पर जो लोकल के लोग हैं यहाँ पर इतने हैं नहीं। तो ये देख रहे हैं आप ये जो पार्क और ये बच्चों के झूले लगे हुए हैं देखिए सामने सब ये देखिए बच्चे जा रहे हैं इसके अंदर स्लाइड होते हुए नीचे को जाएंगे और सामने कैंटीन भी है। तो देखिए सामने लिखा है हर्बल पार्क फूड कोर्ट नंबर इतना और यहाँ कुछ बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे बड़े बच्चे सब इस तरीके से देखिए ये और यहाँ का देख बादल देखिए। तो काफ़ी बेहतर जगह है काफ़ी अच्छी जगह है। तो यहाँ के पागबड़े के लोग तो आते ही होंगे मैं तो जो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बच्चे खेल रहे हैं ये का बहुत बड़ा पार्क है बहुत ही बड़ा है ये देख सकते हो आप लोग काफ़ी एरिया में फैला हुआ है ये। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। तो देखिए जैसा पार्क में आते हैं पार्क में टहलते हैं घूमते हैं समय बिताते हैं समय बिताने के साथ साथ फिर कुछ भूख लग जाती है जैसे बच्चों को बड़ों को। तो यहाँ पर कैंटीन भी है देखिए तो इस कैंटीन में हम आगे यहाँ के जायके ले सकते हैं फास्ट फूड का एंजॉय कर सकते हैं जैसे आप यह हर्बल पार्क। और अभी आपने देखा कल वेडिंग में गया था वेडिंग का देखा थोड़ा फिर उसी में आज मैंने ये जोड़ा है। तो ये 2 दिन का व्लॉग आपको मैं दे रहा हूँ कल और आज का यानी 8 तारीख का और 9 तारीख का। तो अभी जहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चे यहाँ पर झूल रहे हैं ये और सामने ही कैंटीन है लेकिन कैंटीन अभी सुनसान पड़ी हुई लेकिन आपको पता ही है कि जाड़ की तरह हम बढ़ चुके हैं विंटर की तरह बढ़ चुके हैं। तो विंटर में ज़्यादा लोग शाम को नहीं निकलते हैं लेकिन जब गर्मी आती है ना तो गर्मी में फिर शाम को लोग निकलते हैं इस तरीके से देखिए सामने जैसे लोग हैं तो इस तरीके से निकलते हैं फिर वो गर्मी में टहलते हैं शाम को काफ़ी भीड़ हो जाती है काफ़ी क्राउड हो जाता है इसमें। हालांकि हम तो नैनीताल रहते हैं तो हम तो नैनीताल में ही जाते हैं लेकिन जो यहाँ के लोग हैं मुरादाबाद के पागबड़े के तो यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। तो ये पूरा पार्क है देखिए तो इस टाइम मैं हूँ 5 स्टार होटल के पास ये देख सकते हैं आप लोग सामने 5 स्टार और यह दिल्ली रोड ये सामने दिल्ली को जा रहे हैं हापुड़ दिल्ली
यहाँ से 151 किलोमीटर दिल्ली, तो यही रोड जा रही है। और यहाँ से हम इधर को चलेंगे तो नैनीताल 147 किलोमीटर, लखनऊ 361, बरेली 109। ये देखिए नैनीताल, ये सीधी रोड नैनीताल को भी जा रही है और पूरा हाईवे है देखिए ये, तो किस कदर से गाड़ियाँ चल रही हैं आप देख सकते हैं ये। और ये 5-स्टार होटल जो सेलिब्रिटी यहाँ पे आकर रुकते हैं, ये सामने ही देख रहे हैं आप लोग। और काफ़ी शोर शराबा है गाड़ियों का ये, तो ये देख सकते हैं आप लोग।